नमस्कार दोस्तों, सुखदेव शिवम की इस फ्रेश वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है जो लोग स्विगी कंपनी में डिलीवरी बॉय की जॉब करते हैं। देखिए, जो लोग बहुत पहले से जॉब करते हैं, हो सकता है उन लोगों को इस चीज़ के बारे में मालूम हो। थंबनेल और टाइटल में आपने जो है कि देख ही लिया कि आज की इस वीडियो में मैं आपको मिनजी यानी कि मिनिमम गारंटी, स्विगी डिलीवरी एप्लीकेशन में मिनजी का मतलब क्या होता है, मिनजी होता क्या है, उसी चीज़ के बारे में आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। अच्छा, तो मैं बोल रहा था कि हो सकता है कि जो लोग पुराने डिलीवरी बॉयज हैं उनको इस चीज़ के बारे में मालूम हो, वो लोग भली भांति इस चीज़ के बारे में जानते हो, लेकिन जो नए डिलीवरी बॉयज हैं उनको जो है कि इस चीज़ के बारे में नहीं मालूम होता है। इसलिए जो है कि वो लोग इस चीज़ को लेकर के बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़ होते हैं कि स्विगी कंपनी में बेसिकली मिनजी यानी कि मिनिमम गारंटी होती क्या है। दोस्त, आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिए, आपको बिल्कुल भी कोई डाउट नहीं बचेगा कि डिलीवरी एप्लीकेशन में मिनजी यानी कि मिनिमम गारंटी, डेली मिनिमम गारंटी या फिर वीकली मिनिमम गारंटी, इन सब चीज़ों का मतलब क्या होता है और क्या आज भी मिनजी चलती है, मिनजी आपको मिलती है या फिर नहीं मिलती है। तो दोस्त, उसी चीज़ के बारे में प्रॉपर ये वीडियो होने वाला है, तो पूरा वीडियो देखना, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना। आप लोग पता नहीं क्यों चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं करते हो, प्लीज़ नीचे लाल कलर के बटन को दबा करके बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट करके आप लोग प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए दोस्त, बेसिकली सबसे पहले मैं एक चीज़ यहाँ पर क्लियर कर दूँ, स्विगी डिलीवरी कंपनी या फिर कोई सी भी डिलीवरी कंपनी हो, वो लोग इस तरीके के चोचले क्यों करते हैं कि मिनिमम गारंटी ले लो या फिर इंसेंटिव ले लो। तो दोस्त, ये सारी चीज़ें कोई भी कंपनी क्यों करती है, तो देखिए बेसिकली मैं आपको बताऊं, इन सब चीज़ों को करने के पीछे का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा राइडर्स जो है कि इनके एप्लीकेशन पर ऑनलाइन आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा राइडर्स जो है कि इनके एप्लीकेशन पर काम करें, जिससे कि कंपनी को प्रॉब्लम ना हो, उनके आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर्स को जो है कि डिलीवर कर सकें और जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है कि अर्निंग कर सकें। देखिए, होता क्या है कि आपके ऊपर इस काम में कोई प्रेशर नहीं होता है, आपको कोई प्रेशर नहीं डाल सकता है कि आप काम करो ही करो, कोई आपके ऊपर लाठी डंडा लेकर के बैठा नहीं हुआ कि काम करो। इसलिए होता क्या है कि डिलीवरी बॉयज को अगर इंसेंटिव या फिर मिनजी वगैरह नहीं दी जाएगी तो डिलीवरी बॉयज क्या करेंगे कि जब तक उनका मन करेगा एक दो घंटे काम करेंगे, आईडी लॉगिन करेंगे, वरना अपने घर चलते बनेंगे। अब कोई प्रेशर डालने वाला है नहीं, इसलिए कंपनी जो है कि आपको लालच देती है एक तरीके का कि हम आपको इंसेंटिव दे रहे हैं, मिनजी दे रहे हैं, तो आप जो है कि काम करो इस तरीके का। और दोस्त, ये मैं ऐसे बाइक से जो है कि आ जाता हूँ इस तरीके की लोकेशन पर वीडियो वगैरह रिकॉर्ड करने के लिए, और मैंने जो है कि बाइक पर, यार ये मैंने लिखवा लिया था चैनल पर जो कि मैंने बताया भी था इसे, सुखदेव शिवम करके और मीडिया प्रेस वाला, ये मैंने जो है कि लोगो बाइक पर लगवा दिया था। इससे थोड़ा सा एक, मतलब क्या बोलते हैं उसको, थोड़ा सा, अरे यार अभी गिर ना जाऊँ, एक इम्प्रेशन आता है जब बाइक थोड़ा रोड पर जाती है इस तरीके से। तो देखिए दोस्त, होता क्या है कि जब आप जो है कि ऑर्डर्स वगैरह डिलीवर करते हो तो हर एक ऑर्डर पर आपको एक मतलब कि इनकम दी जाती है। जैसे आप ये ऑर्डर डिलीवर करोगे तो आपको 20 रुपए मिलेगा, इसको करोगे तो 40 रुपए मिलेगा। उसी के साथ में कंपनी आपको बोलती है कि आप अगर 10 ऑर्डर डिलीवर कर दोगे तो हम आपको 500 रुपए इंसेंटिव देंगे, या फिर आप जो है कि 20 ऑर्डर डिलीवर कर दोगे तो हम आपको 1000 रुपए जो है कि यहाँ पर इंसेंटिव देंगे। ऐसा कंपनी, स्विगी कंपनी बोलती है, इसको इंसेंटिव बोला जाता है। अब ये डेली इंसेंटिव होता है, ठीक है, आप अगर 20 ऑर्डर डिलीवर कर दोगे अभी शाम तक में इतने घंटों में तो हम आपको 1000 रुपए इंसेंटिव देंगे। मतलब जो आप ऑर्डर्स जो है कि डिलीवर करके जो आप पैसा कमाओगे वो तो आपका अलग ही रहेगा, लेकिन प्लस में जो है कि स्विगी कंपनी आपको इंसेंटिव देने का भी वादा करती है। ये चीज़ें होती हैं, इसको डेली इंसेंटिव बोला जाता है। लेकिन दोस्त, यहीं पर आपको वीकली इंसेंटिव भी कंपनी देती है। वीकली इंसेंटिव का मतलब ये होता है कि आप अगर पूरे हफ्ते इतने ऑर्डर्स कंप्लीट करोगे, जैसे पूरे हफ्ते आप जो है कि कंपनी एक टारगेट देती है कि 50 ऑर्डर डिलीवर करोगे या फिर 60 ऑर्डर डिलीवर करोगे तो हम आपको जो है कि 4000 इस तरीके से, थोड़ा बड़ा अमाउंट क्योंकि वीकली वाला सिस्टम है ना, एग्जैक्ट मैं क्लियर नहीं हूँ क्योंकि अलग अलग सिटी का अलग अलग इंसेंटिव रेट जो है कि कंपनी रखती है। तो दोस्त, ये तो है आपका इंसेंटिव की डेली इंसेंटिव क्या है या फिर वीकली इंसेंटिव क्या है। इसी तरीके से गाइज जो है कि मिनजी होता है, यानी कि मिनिमम गारंटी कंपनी आपको देती है। अब ये मिनिमम गारंटी क्या है वो मैं आपको बताऊं। देखिए दोस्त, होता क्या है कि कई सारे सिटीज़ में ऑर्डर्स जो है कि बहुत ही ज़्यादा कम होते हैं। जैसे किसी भी सिटी में ऑर्डर दिन के बहुत ही कम आ रहे हैं तो उसमें कंपनी कुछ नहीं कर सकती क्योंकि कस्टमर ही ऑर्डर नहीं कर रहा है। तो मान लेते हैं कि राइडर्स इतने हैं कि ऑर्डर्स उनमें जो है कि पर्याप्त नहीं है, ये बहुत ही कम सिटी में बचा हुआ है, लेकिन हाँ कुछ कुछ सिटीज़ में ऐसा है जैसे जो छोटी छोटी सिटीज़ हैं, तो वहाँ पर कंपनी क्या बोलती है कि कंपनी वहाँ पर मिनजी अनाउंस कर देती है, मतलब मिनिमम गारंटी। उनका मतलब ये होता है कि आप 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे, जितना भी वो बोलते हैं कि इतने घंटे आप लॉगिन रहो,
अगर आपको ऑर्डर रिसीव नहीं होता है तो हम आपको 500 रुपए देंगे फ्री फंड का। कहने का मतलब इसी को मिनजी बोला जाता है, मिनिमम गारंटी। मतलब आपकी 10 घंटे लॉगिन रहो, जैसे सिटीज में ऑर्डर नहीं है तो कंपनी बोलेगी 10 घंटे लॉगिन रहो हम आपको मिनजी देंगे, अगर आपको कोई भी एक भी ऑर्डर नहीं आता है फिर भी हम आपको पैसा जो है कि देंगे। यही मिनजी होती है, इंसेंटिव और मिनजी में यही फर्क होता है, आप समझो। इंसेंटिव और मिनजी में कई लोगों को फर्क नहीं समझ में आता, लेकिन इंसेंटिव या फिर मिनजी में फर्क होता है। तो आई होप कि आपको मिनजी और इंसेंटिव में फर्क समझ में आ गया होगा। इंसेंटिव वो होता है जो ऑर्डर्स पर आपको ऑर्डर डिलीवर करने पर जो आपको पुरस्कार दिया जाता है, इनाम दिया जाता है, उसे इंसेंटिव। और मिनजी जब आपको ऑर्डर्स नहीं रिसीव होगा और इतने घंटे आपको लॉगिन रहना है तो कंपनी आपको जो पैसा देगी खैरात का, उसे आप जो है कि मिनजी बोल सकते हो। अब दोस्त मैं आपको बताऊं, मिनजी ज़्यादातर शहरों में मिनजी वगैरह नहीं चलती, ज़्यादातर शहरों में इंसेंटिव ही चलता है, इस बात का आपको जो है कि ध्यान रखना चाहिए। दोस्त आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। हम अगले किसी वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।